भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, जिसके संबंध में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि साल 2014 और 2019 से बड़ी जीत इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। भाजपा का परचम एक बार फिर लहराएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश की कमान संभालेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा बूथ स्तर पर संगठन को इस तरह से मजबूत बनाने में जुटी है कि अगले 25 सालों तक भाजपा को कोई हिला नहीं सकता। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 75 से अधिक सीटों पर विजय पताका लहराएगी। नई जिम्मेदारी मिलने पर कहा कि भाजपा यूपी की नई टीम के लिए राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व में उनके ऊपर विश्वास प्रकट किया है, वो क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में जिस तरह से काम किए हैं, यूपी के भाजपा उपाध्यक्ष के रूप में वे लगातार संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी के नेतृत्व में नए भारत और नया उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, अच्छे अभी भाजपा शीर्ष नेतृत्व में दिया, क्या लग रहा है जो नई टीम है उसका जोश कितना, उत्साह दिखाई दे रहा है? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि मुझ में विश्वास व्यक्त किया गया है। मैं पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के का जो एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मैं पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ काम करूंगा और विश्वास व्यक्त करता हूं कि नई टीम भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। नई टीम जो पार्टी का एजेंडा है, अभी बूथ सशक्तिकरण के अभियान सम्पन्न हुए हैं और सभी बूथों पर हम लोगों ने पन्ना प्रमुख तक की स्थायी नियुक्ति की है और आने वाले चुनाव की दृष्टि से एक मजबूत संगठन हमारे शक्ति केंद्र को और बूथ को मजबूत करके एक मजबूत संगठन का निर्माण हम सब कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में 2019 और 2014 से बड़ी विजय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में मिलेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी, 12 जिलों में लगभग क्लीन स्वीप के करीब पहुंच गए थे, तो क्या लग रहा है इस बार नई टीम का जोश प्रदेश लेवल पे कितना दिखेगा? आप तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि हमारे सामने 2019 के चुनाव, 2019 के बाद 2022 के जो चुनाव हुए थे, अब हमारे सामने मोदी जी की दूसरी पारी की सरकार की उपलब्धियां भी हैं और योगी जी की सरकार की दूसरी पारी की भी उपलब्धियां हैं और दोनों सरकार की उपलब्धियों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में मोदी जी के नेतृत्व में भारत खड़ा हो रहा है और जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है, मैं कह सकता हूं कि 2014, 2019 और 2022 इन तीनों से बड़ी जीत उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन मोदी जी के नेतृत्व में देने वाली है और 2024 के चुनाव में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने वाला है।